गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, और विशेष रूप से मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियडिक जो बिहेवियर है वो किस प्रकार चेंज होता है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार बदलती हैं किसी पीरियड में या किसी ग्रुप में। पीरियडिक टेबल में 100 एलिमेंट्स हैं और उन 100 एलिमेंट्स को 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बांटा गया है, और पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें रखा गया है। मैं पीरियडिक बिहेवियर को शुरू करने से पहले एक सेकंड पीरियड को लेना चाहता हूँ। सेकंड पीरियड में लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 और बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। यानी जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, अगर मैं किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और जो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसके किसी एक एटम के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात लिथियम में 3 प्रोटॉन का चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, बेरिलियम पर 4 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, बोरान में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन के एक न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉनों का बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन के बराबर, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा। कह सकते हैं हम कि किसी भी उसमें पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आप देखेंगे कि अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,7। तो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तब क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो रही है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी कम होती जाएगी, और जो न्यूक्लियस का सेंटर है और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी को, उनके बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। तो हम ये जान चुके हैं कि जैसे जैसे किसी पीरियड में हम क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब आता जाएगा और उसका एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। और अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें कि किसी ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, आप खुद देखेंगे लिथियम का कॉन्फिगरेशन होगा 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1, आरबी 2,8,18,8,1, मीन नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती जा रही हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जाता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे बिहेवियर की, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर की। अब ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर हैं क्या? अब देखिए, एक एलिमेंट में 2 प्रकार की टेंडेंसी हो सकती है। एक तो वो टेंडेंसी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली हो कि भाई इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मेरा कॉन्फिगरेशन पूरा हो जाए, एक वो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली कि लॉस कर दूं इलेक्ट्रॉन का और मेरा कॉन्फिगरेशन पूरा हो जाए, है ना। जैसे लिथियम है, अब देखिए लिथियम क्या है, लिथियम एक मेटल है, एल्केली मेटल है लिथियम, ये मेटल है, मीन्स ये मैंने मेटल किया है, जितने कलरफुल इसमें आ रहे हैं मेटल है, लिथियम में एल्केली मेटल है और लिथियम का कॉन्फिगरेशन है 2,1, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं कि भाई कोई हमसे हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले ले आउटर मोस्ट सेल का, ये फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है मीन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन देने को बेचैन है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई हमसे ले ले और हम अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना ही
मेटेलिक प्रॉपर्टी है। और एफ की बात अगर हम करें, हेलोजन नॉन मेटल है, हेलोजन, ये एफ सी एल बी आर आई ये नॉन मेटल है। ये क्या करेंगे, ये करना चाहते हैं कि भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दे, हम कोई एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लें और अपने निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएं, अर्थात ये नॉन मेटल है। स्पष्ट है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, जो जितना स्ट्रांग मेटल है वो लेफ्ट साइड है और जो जितना स्ट्रांग नॉन मेटल है वो राइट साइड है। यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट ओर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो राइट में रखा गया है। ये जो ग्रीन है ये सब नॉन मेटेलिक हैं और जो मेटल हैं वो ये हैं, ये मेटल है, स्ट्रांग मेटल, स्ट्रांग मेटल फर्स्ट ग्रुप वाले। तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आप देखिए, अभी आपने बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड है और ये भी क्लियर है कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 7 और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने वाला है। यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का तो कोई इरादा होगा ही नहीं। डोनेट करने का इरादा अगर किसी का है तो वो मेटल्स का होगा, वो क्या है, एल्कली मेटल्स का होगा। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा लिथियम से कि भाई लिथियम भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हो क्या, लिथियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपना पॉजिटिव आयन बनाएगा। और मैं बात कर रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अगर कोई एटम है, न्यूट्रल एटम, और वो इलेक्ट्रॉन एक क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उस एटम से, उसे उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो लिथियम तो बहुत जल्दी डोनेट कर देगा और फ्लोरीन हमारे चाहने के बाद भी डोनेट नहीं करेगा, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, डोनेशन कहाँ देगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट हम जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है नहीं और लिथियम इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से लिबरेट कर देगा कि भाई ले ले एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन देगा नहीं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। और अगर हम किसी ग्रुप में जाते हैं डाउन अर्थ, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। इस प्रकार हमारा एक अन्य हम करेक्टर लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एटम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता है, अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉनों को, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। और आपने देखा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन ज्यादा कर रहा है, फ्लोरीन, ये जितने भी 17 ग्रुप वाले हैं। यानी क्लियर है कि जो एफ है फ्लोरीन, जो पूरे एफ सी एल बी आर आई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पर इनमें भी सबसे ज्यादा 17 ग्रुप में एफ। एफ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, नोट कर लीजिएगा, एफ इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। और ये जो एफ आर है, यहाँ ये एफ आर 87 फ्रेंजियम, एफ आर इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एफ आर। अब इसका उल्टा हम लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन टू ए ग्रुप। अब बात आती है इलेक्ट्रो एफिनिटी की। इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रल एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम टू फॉर्म ए निगेटिव आयन। देखो कोई एटम है, उस एटम के पास हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को ले ले, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एटम एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को करने के लिए एटम की एनर्जी में जितना परिवर्तन होगा, जितना चेंज उसकी एनर्जी में होगा, उसे उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एटम की चेंज इन एनर्जी है, उसकी एनर्जी में जितना परिवर्तन होगा, तब जब वह एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। क्लोरीन इज द, देखो इसमें एक अपवाद है, क्लोरीन हेलोजन जो होते हैं एफ सी एल बी आर आई होते हैं, ये जो 17 ग्रुप है हेलोजन का है, और इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफ सी ज्यादा होनी चाहिए किंतु होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। क्लोरीन याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आता है और विशेष रूप से कमीशन में, क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस प्रकार हमने देखा किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, आयोनाइजेशन जो एनर्जी है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है।